जैसे सर ने बताया कि आप सभी लोगों को मेरी जो है जीवन कथा सुननी है, तो अभी मैं शुरुआत करूंगा। एक समय था जब मैं स्कूल में था, आप ही के लोगों की तरह, किनके तरह, आपके तरह, और मैं बहुत शर्मिला था। क्या था? शर्मिला। स्कूल में हर रोज जाता था, पढ़ाई तो करता था, लेकिन अभी शर्मिला था तो सवाल पूछने में डर लगता था मैडम से। मैडम ये समझ नहीं आया कैसे होगा। यस, फिर ट्यूशन लगाता था। किस लिए लगाता था? ताकि मैं उसको समझ सकूं, इसीलिए लगाता था। लेकिन ट्यूशन लगाने के बाद शर्मता था, तो फिर से मैं क्या पूछता नहीं था। तो ऐसे करते करते मेरे जो है दिन निकल रहे थे, लेकिन पढ़ाई में अच्छे तरीके से करता था और मार्क्स भी अच्छे लाता था। लेकिन साथियों, मेरा गोल कुछ बड़ा था, कुछ अलग से था। फिर मैं एक दिन जैसे पापा के साथ तो मैं घूमता रहता था, तो इसी तरीके से मेरी 11वीं 12वीं ऐसे ही कंप्लीट हुई। तो जैसे 12th मैंने साइंस से करी, साइंस से करने के बाद फिर 12th के बाद क्या होता है, 3-4 महीने हर बच्चा घर पे। अभी 12th भैया आपको नहीं पता, 12th में चलो भैया के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू। तो जैसे एक लड़के की 12th कंप्लीट होती है तो उसके पास कितने महीने फ्री होते हैं? 3-4 महीने। यस यस। और 3-4 महीने में उसे बहुत प्रेशर आता है, हर बच्चे को प्रेशर आता है कि अभी आगे क्या करना है। मतलब कॉलेज तो करनी है, लेकिन अपनी लाइफ सेटल करने का बहुत बड़ा टेंशन आता है। यस और नो? यस। अभी लगता है 12th हो गई, 12वीं हो गई, ऐसे ऐसे मार्क्स आ गए, लेकिन अभी क्या करूँ, कौन से फील्ड में जाऊँ, कौन सा एजुकेशन करूँ, अभी मेरा आने वाला भविष्य क्या होने वाला है, अभी मैं कौन सी जॉब पे जाऊँगा, कौन सा बिजनेस करूँगा, जो भी है। मतलब बहुत सारा टेंशन मेरी जिंदगी में भी था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। लेकिन साथियों, फिर क्या हुआ, मैंने सोचा, फिर मैंने एक गोल बनाया कि मैं अभी फिलहाल BCS कर रहा था, तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में मैंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जो है, मैंने एडमिशन लिया और उसमें थोड़ा बहुत काम किया। काम करने के बाद मेरी ज़िंदगी चल रही थी और मैं पापा के साथ एक बार गया, और जाने के बाद जैसे प्रहार अनमोल मिशन है, यस और नो? यस। उसी तरीके से बहुत बढ़िया जो है हमारे लीडर्स थे जिन्होंने हमें सिखाया, और वहाँ पर भी जैसे आज तुम लोग मुझे देख रहे हो, वैसे मैं किसी और को देख रहा था। क्या देख रहा था? किसी और को। शेखर जैसे बच्चे, मोहित जैसे बच्चे, इंद्रनील जैसे बच्चे वहाँ पर बोल रहे थे। यस और नो? यस। तो वहाँ पे बोल रहे थे, तो मैं सोचा यार ये तो इतने छोटे बोल रहे, लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि मेरी पूरी उम्र तो निकल गई, अभी 12वीं क्लास हो गई, अभी मैं बड़ा हो गया, अभी मैं जो बचपन में नहीं सीखा वो अभी क्या सीखूंगा। तो ऐसा मेरे को लगने लगा, मैं नहीं सीखूंगा। फिर मेरे को जबरदस्ती, जैसे मैं बहुत शर्मिला था, मेरे को जबरदस्ती बोला कि आइए बोलिए, दो शब्द बोलिए। तो मैं इतना डरता था कि बोलने में बिल्कुल नहीं, मैं रो रहा था, नहीं मैं ऐसी ताकत, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं। वो खींच कर ले गए, सिर्फ दो शब्द, और यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया स्टेज पे। स्टेज पे लाने के बाद मैंने सिर्फ इतना बताया, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परदेशी कुमार, बस इतना मैंने बताया पहले दिन। लेकिन ऐसे जैसे आप लोग हर रोज सुनते हो, यस और नो? यस। और हर रोज हर किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है ना? यस। तो उसी तरीके से मैं भी हर रोज, मेरे को दिक्कत हुई, मेरे को शर्म आती थी, मेरे को गुस्सा आता था, मैं क्यों जा रहा हूँ। अभी आप लोगों को भी कहीं कभी कभी आता होगा कि सुबह जल्दी उठना है, वो सवाल पूछते हैं ना, सवाल का जवाब नहीं आता तो ऐसा लगता है कल से आना ही नहीं चाहिए, कोई भी करके भगवान की दया से ना छुट्टी हो जानी चाहिए कल, ऐसा सोचते है ना कभी कभी मन में। तो साथियों, ऐसे ही मैं सोचता था, और मैं जब जाता था तो मेरे को भी परेशानी आती थी, और मैं भी सोचता था कि यार कि नहीं जाना चाहिए, आज छुट्टी होनी चाहिए, इस तरीके से मैं सोचता था। लेकिन धीरे धीरे जैसा कॉन्फिडेंस बढ़ा, खुद पर विश्वास किया, और फिर मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे बोल सकते हैं, अगर ये कर सकता है वो कर सकता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे सामने थे, बड़े बड़े सर मेरे सामने थे जिनका बहुत अच्छा नॉलेज मुझे मिल रहा था, अगर वो सब कर सकते तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सर नो? फिर मैंने धीरे धीरे शुरू किया, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ना शुरू करा, जैसे जीत आपकी, तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी कैसे बने करोड़पति, तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी किताबें हमने पढ़ना शुरू किया। और किताबें पढ़ने के बाद क्या आता है, नॉलेज आता है कि सामने क्या बोलना है। यस और नो? तो ऐसे किताबें पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे शुरू किया, और मैं आप देख सकते हो कि आज मैं बोल पाता हूँ। और आज फिर मैंने उसी तरीके से सोचकर एक यूट्यूब चैनल भी खोला था, जिसका नाम था क्या, परदेशी कुणाल। क्या था? शुरुआत में उसके कितने सब्सक्राइबर थे? 10-20। और मैं भी सोचता था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं नहीं, और मैंने सिर्फ पहले मैं क्या करता था, शुरुआत में मेरे को बस 12th के बाद क्या करना था समझ नहीं आ रहा था, YouTube चलाएं, चलो YouTube ऐसा मैंने सुना था, YouTube में बहुत एंजॉय होता है। मतलब मेरे को है ना, पहले से पैसों का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरे
को फेमस होना बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर किसी को लगता है, लेकिन किसी को पैसा ज्यादा मायने रखता है, किसी को वैल्यू ज्यादा मायने रखता है। तो मैं सोचता था पैसा हो या ना हो, लेकिन मेरी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी में खुशी आनी चाहिए और वो लोग मुझे मान सम्मान दे, ऐसा मैं चाहता था। तो मैंने यूट्यूबर्स को देखा था, जो यूट्यूब चलाते उन्हें क्या देखा था, उन्हें बहुत मान सम्मान मिलते हुए देखा था। आपने भी देखा होगा यस और नो? यस। हाँ, तो फिर उस तरीके से मैंने सोचा यूट्यूब चैनल खोलते, और फिर मेरे को कुछ नॉलेज तो था नहीं, और मैं क्या था, शर्मिला था, कैमरे के सामने बहुत डरता था। फिर मैंने ऐसे छोटी मोटी, ये फोन ऐसा है, वो मोबाइल ऐसा है, इसका टॉर्च ऐसा है, मतलब ऐसे कुछ भी जो मेरे हाथ में आएगा, शुरुआती दिनों में ऐसे बनाना शुरू किया। तो वो मेरा चैनल था पहला वाला, क्या था, जो कि प्रैक्टिस वाला चैनल था। मतलब मैं उसमें क्या करता था, कैमरे के सामने आने की प्रैक्टिस करता था। तो मैंने उसमें 10-12 वीडियोस बनाई, और 10-12 वीडियोस बनाने के बाद जो है, मैं फिर मेरा कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर जो है आत्मविश्वास आया कि मैं कर सकता हूँ। और इस तरीके से फिर मैंने एक नया चैनल खोला, जिसका नाम फिर से मुझे परमेश्वर कुणाल डाला। और पिछला चैनल में जो है उसे मैंने प्रैक्टिस था, इसलिए उसे साइड में करके नया चैनल खोला। और उसमें फिर से जो मेरा आत्मविश्वास था, फिर से मेरी जो कला थी, फिर से मैं जो बोलने वाला सीख चुका था, क्या बोलना है वो सब सीख चुका था, फिर उसमें मैंने शुरुआत किया। और उस चैनल को मैंने मोटिवेशनल चैनल बनाने के बारे में सोचा। क्या बनाने के बारे में? मोटिवेशनल। मैं अभी सामने तो मोटिवेशनल कर रहा हूँ, तो मोबाइल पे भी करने की सोची। तो शुरुआती दिनों में मैं वीडियो बनाते गया, बनाते गया। शुरुआत में रिस्पॉन्स कम आया, लोगों ने कम देखा, लोग इन्जॉय नहीं करते शुरुआती दिनों में, क्योंकि हर कोई इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसे थोड़ी कसौटी लेनी पड़ती है, कष्ट लेना पड़ता है। तो उसी तरीके से शुरुआत करी, लेकिन लोगों ने शुरुआत में रिस्पॉन्स नहीं दिया, लोग नहीं देखते थे। मैं स्टेटस डालता था, व्हाट्सएप डालता था, इंस्टाग्राम पे रखता था, जितने भी सोशल, फेसबुक पे लिंक डालता था, जितनी सोशल मीडिया, हर किसी ने ट्राई करके देखा होगा। अभी जो भी यूट्यूब चैनल था, यस और नो? यस। तो मैंने उस तरीके से बहुत हाथ पैर हिलाए, इस तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर दिया। लेकिन आखिर मैंने देखा किया, फिर मैंने सोचा कि अभी सब्सक्राइबर पे ध्यान ना देते हुए मैंने किस पे ध्यान दिया, अपने काम के ऊपर ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया? मैंने काम के ऊपर ध्यान दिया, और करता गया काम, करता गया वीडियो बनाते गया, चाहे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई मेरे को रिस्पॉन्स दे या ना दे, चाहे किसी को वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन हमारा काम के बनाने का। इस पूरे दुनिया में मेरी तरह भी तो कोई इंसान होगा। Yes. अगर मेरे को वो वीडियो अच्छी लग रही तो मेरे जैसे को भी तो अच्छी लगेगी। Yes. तो मैंने उस शौक से मैं बनाते गया, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जहाँ पर एक दिन मेरे 50 से 20 सब्सक्राइबर थे, आज की डेट में 6,500 सब्सक्राइबर है, 2,500। थैंक यू। मतलब आज 2.5K, आज अगर यूट्यूब चैनल की बात करें तो उसके सब्सक्राइबर है, और व्यूज की बात करें, व्यूज चाहती हो, हर कोई बोलता है कि वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज बढ़ते तो बहुत खुशी होती है, यस और नो? यस। तो साथियों, शुरुआती दिनों में रिस्पॉन्स जैसे नहीं आता था, बहुत कोशिश करी, बहुत हाथ पैर हिलाए, लेकिन मेरी एक वीडियो 1,20,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने देखी। तो मतलब मुसीबत हर किसी को आई। और आज यूट्यूब चैनल को खोले हुए मुझे कितने साल हो गए? 3 साल। कितने साल हो गए? 3 साल। मतलब 3 साल पहले मैं प्रैक्टिस वीडियोज बनाता था, 3 साल पहले प्रैक्टिस वीडियोस बनाता था, लेकिन मैंने आपको कल क्या बताया, धैर्य और स्ट्रगल, मतलब पेशेंस एंड स्ट्रगल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने मेहनत तो कर रहा था, और साथ ही साथ उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। मेरे को हर कोई बोलता था कि ये अलग रास्ते पे जा रहे साथियों, मतलब अभी कोई बोलता है कि तू जॉब कर, तू भर्ती कर, तू ये कर, तू वो कर, सजेशन हर कोई देगा कि आप ये करो, 12th हो गई, कितने मार्क्स आए, अरे मार्क्स कम है, थोड़े और पढ़ाई कर तो ज़्यादा आ जाते, तू ये कर, तेरे लिए ये बहुत अच्छी, तेरी हाइट अच्छी है, तू पतला है, तू भर्ती हो जाएगा, तेरा नॉलेज अच्छा है, तू कंप्यूटर में जा, तू आईटी में जा, मतलब ऐसे सजेशन देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन साथियों मन के काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इसी तरीके से बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे तू ये कर, तू कर, लेकिन सिर्फ मेरे पिताजी और मेरी माताजी ये बोल रहे थे कि तेरे को जो अच्छा लगता है तू वो कर, बस हम तेरे साथ हैं। क्या बोल रहे थे? जो अच्छा लगता है वो कर, बस हम तेरे साथ हैं, और जी जान लगा दे। तो साथियों, मैंने सिर्फ एक फोकस लिया, एक टारगेट लिया कि मेरे को करना है, तो मैं उसमें करते गया, और आज आप देख सकते हो, अगर यूट्यूब में डालते हो परदेशी कुणाल तो आपको दिख जाएगा मेरा चैनल, उसमें मेरा फोटो भी दिख जाएगा, और मेरे बहुत सारी वीडियोज भी आपको देखने को मिल गई। तो साथियों, इस तरीके से यूट्यूब मैंने शुरू किया, और उसे कितने साल हो गए थे? 3 साल। आज पूरे 3 साल हो चुके साथियों, मतलब शुरुआती दिनों में, मतलब 3 साल मैंने धैर्य रखा। क्या रखा? धैर्य। मतलब शुरुआत में बढ़ने में दिक्कत आई,
लेकिन आज की डेट में हर रोज के कम से कम 50-100 सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते। क्या बढ़ जाते? 50-100 सब्सक्राइबर क्यों बढ़ते? क्योंकि एक बार वो लाइन बैठ चुके और बहुत सारे लोगों में वो फैल रहे हैं। यस और नो? क्योंकि एक बार फैल जाता है मार्केट में तो वो फैलता जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या है, बस थोड़ा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और हमें कामयाबी आसानी से मिल सकती है साथियों। बस हार नहीं मानना। और साथियों, समय हर किसी का आता है, बुरा भी आता है और अच्छा भी आता है। अभी समझ लीजिए, आज अगर बात करूंगा तो आज मेरा अच्छा समय, लेकिन बुरा समय जो था, मेरे यूट्यूब का बोलो, मेरे मतलब बातचीत करने का बोलो, स्टेज के ऊपर बोलने का बोलो, वो बुरा समय गया। यस और नो? लेकिन साथियों, हर किसी का समय आता है, लेकिन जिस वक्त आपको लगे कि अब मैं नहीं कर सकता, जिस वक्त आपको लगे कि अब मैं मेरे लक्ष्य को पाने के लिए और आगे कदम नहीं डाल सकता, जिस वक्त आपको लगे कि यह मुझसे नहीं होगा, जिस वक्त आप हार जाओ, जिस वक्त आप हार मान लो, जिस वक्त लोग आपकी टांग खींचेंगे कि तू नहीं कर सकता, तो साथियों उसी वक्त खुद को पकड़ कर रखना, उसी वक्त बोलना कि अब नहीं तो कभी नहीं। साथियों, उसी वक्त खुद को पकड़ के रखना है, और आपको लाइफ में आगे कामयाब होने से बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ समय को पकड़ के रखिए। समय बहुत कम है, और समय बुरा भी आएगा और अच्छा भी आएगा। तो साथियों, बुरे समय में बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ना। और जो हमसे बड़े गुरु है, जो हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं, जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, उनका हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। और सबसे बड़ा गुरु कौन है इस दुनिया में? सबसे बड़े गुरु बड़े भैया तो है, लेकिन साथ साथ माता पिता भी। माता पिता जो नॉलेज हमें देंगे वो कोई नहीं दे सकता, लेकिन उन्हीं के वजह से आज हम इतने अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं। अगर मैं जहाँ पर बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पिताजी बोलते तू भर्ती होना है, तेरे को वही करना है, तेरे को यही करना है, तो मैं यहाँ पर होता क्या? नहीं। साथियों, माता पिता का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम आज कामयाब है तो साथियों, इसलिए अपने माता पिता को बहुत ज्यादा इज्जत दीजिए, मान सम्मान दीजिए, और उनसे बहुत प्यार कीजिए, और खुद के लक्ष्य को पाने के लिए जी जान एक कर दीजिए। मुश्किलें आएंगी, हर किसी की जिंदगी में आती है। आपने बहुत सारे उदाहरण सुने होंगे, बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे जो आज कामयाब है, लेकिन कामयाब होने से पहले क्या थे और कामयाब होने के बाद क्या है? यस और नो? यस। तो साथियों, कामयाब होने के लिए हमें जी जान एक करनी पड़ेगी। अगर कामयाब होना इतना ही आसान होता तो हर कोई कामयाब हो जाता। तो इसलिए मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन क्या मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार हो? Yes! तैयार हो? Yes! तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर।